चीन ने 2035 तक माहौलियाती निगरानी का एक जदीद निजाम कायम करने का ऐलान कर दिया। इस निजाम के तहत चीन माहौलियाती निगरानी के आदाब शुमार को जमा करने, ट्रांसमिशन, प्रोसेसिंग, तजिए और इतला में शुमार तरीकेकार को पाए तकनीक तक पहुँचाएगा। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की जानिब से जारी की गई एक दस्तावेज के मुताबिक मुल्क 2035 तक माहौलियाती निगरानी के जदीद निज़ाम कायम करने के लिए नुमाया इकदाम करेगा। दस्तावेज में कहा गया है कि चीन नई टेक्नोलॉजीज की मुकम्मल सलाहियत को बरूएकार लाते हुए माहौलियाती निगरानी के नेटवर्क की जहीन तब्दीली को मुकम्मल करेगा, जो मसनूई जहानत, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई मेयार की पैदावारी कुवतों की जरूरियात को पूरा करती हैं। आगे बढ़ते हुए चीन माहौलियाती निगरानी के आदादोशुमार को जमा करने, ट्रांसमिशन, प्रोसेसिंग, तजिया और इतलाक में स्मार्ट तरीकाकार को पाया तकमील तक पहुंचाएगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग ज़राए की जिद्दत के साथ मॉनिटरिंग डेटा के मेयार को बेहतर बनाया जाएगा। चीन का इरादा है कि आइंदा माहौलियात की निगरानी की तमाम सरगर्मियों का अहाता करने वाला एक जामे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कायम किया जाए, जो आलूदगी खारिज करने वाले अवामिल की मौसर निगरानी को यकीनी बनाएगा। इन अहदाफ के हुसूल के लिए मुल्क फजा, जमीन और समंदर का अहाता करने वाले एक मरबूत मॉनिटरिंग नेटवर्क की तामीर, मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज में जिद्दत लाने और इस शोबे में बासलाहियत अफराद की परवरिश के लिए कोशिशें तेज करेगा। 2035 तक बुनियादी तौर पर निगरानी के निज़ाम की तामीर मुकम्मल करते हुए नीले आसमान, सब्ज जमीन और साफ पानी के साथ एक खूबसूरत चीन की तामीर में हिस्सा डाला जाएगा। चीन की जानिब से माहौलियात पर नज़र रखने वाले इस जदीद निज़ाम की बदौलत जहां मुल्क के माहौल को शफाफ बनाने में मदद मिलेगी, वहां यकीनी तौर पर मौसमियाती तब्दीली और इससे जुड़े दीगर चैलेंजेस से भी निपटने में नुमाया किरदार अदा किया जा सकेगा। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की करारदाद के बावजूद भी हरदम इसराइल बास न आया। सिहोनी फौज ने बुध को रफा में कम से कम 4 घंटों बमबारी की, जिससे वहां मौजूद 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों के लिए एक नए खदशे को जन्म दे दिया गया। खबर रसानी के मुताबिक महकमे सेहत के हुकाम ने बताया कि फिजाई हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हुए, जबकि सिहोनी फौज ने मगरबी किनारे जमीन में छापे के दौरान फायरिंग करके 3 अफराद को शहीद कर दिया। खबर रसानी के मुताबिक हमले से मुतासर फिलिस्तीनी शहरी मुसा जहीर के मुताबिक वो धमाके की आवाज़ से बेदार हुए। उन्होंने अपनी होपसदा बेटी को प्यार किया और अपनी तबाही देखने के लिए बाहर की जानब भागे, जहां उनकी 75 बरस के वालिद और 82 बरस के वालदा शहीद होने वालों में शामिल हैं। मैक्सिसो में पीर को लगने वाली आग ने 18 रियासतों के 60 जंगलात को जला कर राख कर दिया। गैर मुल्की सराय इलाक के मुताबिक जदीद हमलात ने देखते ही देखते हजारों एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। आग से तमाम जंगली हयात में जलकर हलाक हो गई। रेस्क्यू हकाम का कहना है कि आग लगने की वजह से मालूम हो गई आग से मुतासिर घरों को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी जानी नुकसान का खबर नहीं मिली। आग पर काबू पाने के लिए मुल्क भर से फायर फाइटर्स को तलब कर लिया गया।